उज्जैन के तराना तहसील में कई ग्राम पंचायत क्षेत्रों में राज्य सरकार की भरपूर राशि खर्च करके पाइपलाइन डाली गई और पानी की टंकियां बनाई गई थी, जिसमें राज्य सरकार का भरपूर पैसा खर्च हुआ। जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया है, काम पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से पैसा तो खर्च किया गया लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को पानी पीने को नहीं मिला, जिससे पीने के पानी के लिए प्रतिदिन परेशान होना पड़ रहा है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। इटावा गाँव में ये नल लगे हुए हैं घरों के बाहर, ये नलों में पानी नहीं आ रहा है। चार पाँच दिन में? तो फिर पाँच दिन तो बहुत हो जाते होंगे, फिर कैसे आप लोग पानी पीते होंगे, कहाँ से क्या करते होंगे? है बहन, दूर से लाते हैं सारे लोग, तो फिर तो बहुत दिक्कत आती होगी पानी के लिए बहन। है इटावा? इटावा ये नल यहाँ पर लगे हुए हैं, पैसा भी भर पूरा लाखों रुपए खर्च हो गया, फिर पानी आप लोग को मिल रहा है? नहीं मिले, तो तीन चार दिन में आ रहा पानी। कितने दिन में? पाँच दिन हो जाए। पाँच दिन में? हाँ, तो फिर पाँच दिन में कैसे आप लोग पानी चलाएंगे, क्या करेंगे? कहीं करो पानी तो आ रहा देश को, तो नल लगे हुए पानी नहीं आ रहा है? नहीं आई रहा, नल लगे हुए, पैसा खर्च भी हो गया, सरकारी पैसा खर्च हो गया, पर पैसा पानी नहीं आ रहा है। अब तो पंद्रह दिन में काल हाथ दिया था। तो फिर आप लोग कहाँ से पानी लाते हैं, क्या रहता है? अच्छा, नहीं चला था थोड़ा देर पानी भर ला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।